क्या बाबू, किस गहरी सोच में? तो इस बेंगलुरु को अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, इन सब का मैं ही किंग हूं। फेक करेंसी, इलीगल वेपन्स, एंटायर बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड को मैं ही सप्लाई करता हूं। मुझे ये सब बेंगलुरु हार्बर से आता है। ये सब माल भटकल रोड से होकर बेंगलुरु पहुंचता है। मुझे पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भटकल में मुख्तार नाम का एक गुंडा है। मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी आने वाली लॉरियों को रोककर ड्राइवरों को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। वो मेरा सारा माल सीज करके मुझे टेंशन देता है। अभी मेरा 10 करोड़ का माल कब्जे में करके बड़े अमाउंट की डिमांड कर रहा है। मैंने कई लोकल डॉन से एडवांस लिया है। वो सब मुझे फोन करके टेंशन दे रहे हैं। भटकल में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। उस एरिया में जाने से पहले पुलिस वाले भी 10 बार सोचते हैं। मैंने भी 2-4 बार ट्राई किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। उस वक्त तेरे साथ मालिक नहीं था। बेंगलुरु में जितने भी गुंडे हैं, उन सब की एक मीटिंग बुला। इस बार तो सक्सेस होगा। ए मालिक, तेरा दिमाग खराब है क्या? सारे गुंडे एक साथ हो जाएंगे तो पुलिस वाले एक्टिव हो जाएंगे। बाबू, ये बीच में क्यों बोला? बस ठीक से सोच लेना। मालिक ने जो कहा है वो करो। बाबू, हम सबको एक जगह क्यों बुला लिया? क्यों बाबू, इतना अर्जेंट क्या था? सबको एक जगह लाकर बैठा दिया है। नीचे कोई बॉम्ब वॉम तो नहीं लगाया है? ऑलरेडी मरे हुए लोगों को बॉम्ब रखकर मारना ना मर्दों का काम है। ए, कमीने। ना मर्द अगर पैंट शर्ट पहन भी लें तो उनके घर बच्चे नहीं हो जाएंगे। चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कौन है ये नया पीस? फिल्मी हीरो जैसा बात कर रहा है? तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि जो माल तुम्हें सप्लाई होना था वो भटकल के मुख्तार के कब्जे में है। इस मामले को यहीं खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया है। मुख्तार के साथ मैं डील कर लूंगा, लेकिन हर महीने आप लोग जो डील करेंगे उसका 10% हमें देना होगा। तेरा जो लुक है ना और तेरा डायलॉग सुन के मुझे तेरी बात पे भरोसा होने लगा है। मैं 10% देने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। Let me go.